आ गया। हे टप्पू थैंक यू, तो मुझे तुम लोगों को बोलना चाहिए, इतना प्यार इतना लगाव, मुझे रोकने के लिए तुम लोग एयरपोर्ट तक आ गए। लगाव तो होगा ना पिंकू, हम बचपन से दोस्त हैं। हाँ सोनू, पर शायद मैं इस दोस्ती के लायक नहीं हूँ। बहुत परेशान किया मैंने आप सबको। यार पिंकू, परेशान तो हमने तुझे किया, हमने तुझे तेरे मम्मी पापा के बारे में इतना पूछा कि तू भागने पे मजबूर हो गया। देख पिंकू, अगर तुझे बुरा लगा हो तो सॉरी। टप्पू सॉरी क्यों बोल रहा है, मैं आ गया हूं ना, और दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। हाँ बच्चों, जो रिश्ते कमजोर होते हैं वहां पर ऐसे शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। पिंकू फिर से एक बार थैंक यू, तूने हम सबका मान रखा और वापिस आ गया। टप्पू बुलाए और पिंकू ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ओए एक मिनट यार, क्या हुआ? ओए पिंकू, मैं अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल करके खड़ा हूँ, जब तक मैं तुझे एक लगाऊंगा नहीं ना, तब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। लगाओ एक लगाओ। हाँ चप्पी। अच्छा वाह पिंकू, तू आ गया, वरना हमें तो लगा था तू चला गया और हमें वापस कभी नहीं मिलेगा। अरे गोली, मैं ऑलमोस्ट चला ही गया था, पर आप सबके लगाव ने मेरे कदम रोक लिए। अरे क्या हुआ पिंकू, ऐसे क्या देख रहा है? हाँ टप्पू, तू सच में चैंपियन है यार, मुझे रोकने के लिए तू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर तक आ गया। सच्ची यार, दोस्त हो तो तेरे जैसा। अरे चलो बच्चों, चलो जल्दी गोकुल धाम चलते हैं, सब लोग वहां चिंता कर रहे होंगे। गोकुल धाम? हाँ तो गोकुल धाम ही जाएंगे ना, और कहाँ जाएंगे? नहीं नहीं, मैं गोकुल धाम नहीं आ सकता। क्यों, तो गोकुल धाम क्यों नहीं आएगा? हाँ टप्पू, मैंने झूठ बोला है यार, सबकी आंखों में आंख मिलाकर मैं बात नहीं कर पाऊंगा, कैसे सामना कर पाऊंगा मैं सबका? अरे कब तक सामना नहीं करेगा तू, कब तक ऐसे भागता रहेगा और क्यों? हाँ अरे परिस्थिति से हार मानकर भागना गलत बात है बेटा। और बेटा तू किससे भाग रहा है, हमसे? हम तेरे अपने नहीं है? हाँ यार, और ये तो ऐसी बात हुई कि कल उठ के तू कोई भी गलती करे, झूठ बोले, तो हम सबको चुप रहना है, हैं? तुझे कुछ भी नहीं कहना है, ये डर से कि भाई पिंकू को कुछ मत कहना है, वो बुरा मान जाएगा और फिर भाग जाएगा। नहीं दादाजी, आप सबको मुझे डांटने का, मेरी गलती सुधारने का पूरा हक है। चल अब गलती सुधार और हम लोग के साथ चल। देख पिंकू, तुझे ठीक लगे तो ही सच बताना। हाँ। हाँ। मैं बाबा को फोन करके बता देती हूँ कि हम पिंकू को लेकर आ रहे हैं। हाँ। चाचा जी और बच्चों को गए हुए बहुत टाइम हो गया है नहीं? मुझे तो लगता है हमें उनसे फोन करके पूछ लेना चाहिए, पता तो चले कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं टप्पू को फोन करता हूँ। सुनू का पुत्र। हाँ बोल सुनू बड़ा। हेलो बाबा, पिंकू मिल गया, हम उसको लेकर थोड़ी देर में गोकुल धाम पहुँच ही रहे। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, बाय सुनू बेटा। कहा वो, कहा चले हो, क्या कहा सोनू ने? सोनू ने कहा कि छोड़। अरे भाई है, क्या छोड़ा, और टीवी सीरियल की रोती बहू की तरह क्या नौटंकी कर रहा है भाई, तू बता क्या हुआ, क्या कहा सोनू ने? बाबूजी ठीक तो है? अरे बोलना भाई, भेड़े चुपचाप क्या खड़ा है, पिंकू मिला के नहीं मिला बताना यार। भेड़े भाई बच्चे ठीक तो है ना?
कुछ तो बोलिए। वो बोला ना माधवी, सोनू ने कहा कि पिंकू काय। अरे बताइए ना, पिंकू साहब को सामने रोक लिया ना। गोकुल्ला मासियो, दिल पे पत्थर रख के सुन लो के पिंकू निकल गया। निकल गया? पिंकू पापा निकल गए? क्या करेंगे? पिंकू निकल गया लेकिन कनाडा जाने के लिए नहीं, गोकुलधाम आने के लिए निकल गया है। चाचा जी टपू सिंह और पोपटलाल पिंकू को लेकर यहीं पे आ रहे हैं। क्या करता है यार बेड़े, तू क्या कर रहा है ऐसे वक्त में? तू मजाक कर रहा है भाई, क्या झटके दे रहा था, हमारी तो सांसें अटक गई थी भाई। सही बात है। अरे मुझे कितना टेंशन हो गया था बापूजी का, कि बापूजी कितनी उम्मीद के साथ गए थे कि पिंकू को रोक लेंगे, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। और तू यार मजाक कर रहे है, कोई वक्त है मजाक करने का भीड़ है? अरे यार सॉरी सॉरी जेठालाल, सभी को सॉरी, लेकिन क्या है माहौल इतना भारी हो गया था ना टेंशन से, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मजाक किया जाए, माहौल को हल्का किया जाए। भारी सा? अरे हल्का क्या, तूने तो माहौल को और भारी कर दिया। नहीं मैं सर, हाँ एक सेकंड के लिए तो जान निकल गई थी यार, कितना टेंशन हो गया था। सॉरी सॉरी। खैर भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि हमारा पिंकू वापस आ रहा है। और अब पिंकू के मम्मी डैडी के बारे में पता चल ही जाएगा। बापूजी टप्पू सेना और सोडी की जेब यांचा। चीप पड़ा। क्या जेठालाल, हमारे दीविंग का पोपटलाल भी तो उनके साथ में गया है। तुम मुझको बोल गए कि जान मुझे सीविंग वालों को अवॉइड कर रहे हो? अरे नहीं नहीं भाई, पोपटलाल यांचा पण। अरे वाह, के बात से कितना बड़ा दिल है आप सब लोगों का। पर मैं सब कुछ भूल भी गए और पिंकू बाबा साहब के आने की खुशी भी मनाने लग गए। पर हम तो ऐसे ही है। आम्ही सगळे तुमच्याशी एवढं खोटं बोललो, फिर भी आप सब ने हमें माफ कर दिया। हाँ, वरना आज के जमाने में ऐसा कौन करे सर। और नहीं तो क्या, अभी देखिए आधी रात हो गई है, फिर भी आप सब लोग पिंकू बाबा के लिए यहाँ खड़े हैं। हमारे पिंकू साहब बड़े भाग्यवान से कि आप सब लोग उनके जीवन का हिस्सा हो। एकदम बरोबर। अरे भाई पिंकू हमारा है। बिल्कुल, वो हमारा हिस्सा था, हमारा हिस्सा है और हमारा हिस्सा रहेगा। चिंता की बात अभी भी यही है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पिंकू के मम्मी पापा का राज तो राज ही है। हाँ, ते तो छे। लेकिन अभी बापूजी पिंकू को लेके आ रहे हैं ना, तो वो राज खुल जाएगा अभी। वो खुले। हाँ पिंकू को आने दो, हम सब मिलकर उसे पूछेंगे कि उसने घेवर भाई और कमला जी को अपना नकली मम्मी पापा क्यों बनाया। अब ये राज भी खुल जाएगा अंजलि भाभी, पिंकू आ रहा है ना, सब बता देगा वो। हाँ, एक बार पिंकू सच बता दे तो सबका टेंशन दूर हो जाएगा। बस कोमल भाभी पिंकू जल्दी आ जाए। अरे क्या हुआ पिंकू बेटा, तू इतना चुप चुप क्यों बैठा है? बट अंकल, जैसे जैसे हम गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच रहे मेरा डर बढ़ रहा है। अरे भाई चाचा जी ने तुझे इतना समझाया फिर भी डर रहा है? जैसे हम गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचेंगे सभी लोग मेरे मम्मी पापा के बारे में पूछेंगे और मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। अरे पिंकू बेटा तू चिंता मत कर, तेरे मम्मी पापा के बारे में तुझसे कोई कुछ नहीं पूछेगा बस। अरे पिंकू तू आज रात हमारे घर ही सो जा ना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। हाँ टप्पू सही कह रहे हैं, पिंकू आज रात तू हमारे घर ही रुक जा। आगे फाइनली आ गए गोकुलधाम में। हाँ
पिंकू क्या चल रहा है भाई, कब से कितना टेंशन में थे हम लोग। शांति रखो सब लोग, शांति रखो, पिंकू आ गया ना। देखिए हम रियली रियली वेरी सॉरी, मैंने पोपट अंकल, दादाजी और टप्पू सेना से तो माफी मांग ली है। मैं आप सबके पैर पकड़कर आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। मेरी वजह से आप सब कितना परेशान हुए, हम रियली रियली वेरी सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। भिड़े अंकल हम रियली रियली सॉरी। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। कितना संस्कारी बच्चा है, कितना संस्कार। लेकिन ये संस्कार इसको दिए किसने वो पता लगाना है ना। पिंकू पापा अभी आप अपने कनाडा वाले काका को बोल दो आप नहीं आ रहे हो। हाँ बेटा अगर अभी तक नहीं बताया हो तो बता देना, वरना चिंता करेंगे वो लोग। हाँ मैं अंकल, मैं उन्हें फोन करके इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ जरूर। पिंकू बेटा तुमने माफी मांग ली, हम सबने तुम्हें माफ भी कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोबारा गलती करो। हाँ। सही बात। अरे अपनों को ऐसे बिना बताए कोई जाता है भला? पिंकू जो हुआ सो हुआ वो तो अब भूल जाओ, लेकिन बेटा आखिर तुम्हारे मम्मी पापा से जुड़ी ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम हम सबसे इतना दूर जाने के लिए तैयार हो गए? हाँ पिंकू, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो तू हमसे बात कर, हम सब तेरे साथ है। ये गोकुलधाम पूरा परिवार है ना बेटा, और परिवार से कोई भला बात छुपाता है? बिल्कुल नहीं। पिंकू तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम हम सबको बताओ, तो ही तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। सही बात। पिंकू बेटा तुम्हें याद है जब भी ट्यूशन में तुम्हें कोई डिफिकल्टी होती थी और तुम मुझे बताता था तो मैं वो सॉल्व करता था। लेकिन बेटा अगर तुम अभी डिफिकल्टी बताओगे ही नहीं, प्रॉब्लम क्या है वो बताओगे ही नहीं, तो हम लोग तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? हाँ। भिड़े अय्यर, मैं तो जेठिया पिंकू से अभी उसके मम्मी पापा के बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा। घर जाओ और जाके सो जाओ। कपू बेटा पिंकू को घर ले गए। हाँ दादाजी चल पिंकू। हम लगेंडी घेवर तुम लोग भी घर जाओ। पिंकू आज हमारे घर पे ही रहे, उसका सामान लेके तुम लोग निकलो, रात बहुत हो गई। जी चाचा जी चल पिंकू। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। चल ले लेना। गुड नाइट। चल गुड नाइट। गुड नाइट गोली। गुड नाइट। गुड नाइट। चाचा जी माफ करना, लेकिन एक सवाल जरूर करना चाहता हूँ आपसे, आपने हम सबको पिंकू के मम्मी पापा के बारे में पूछने से रोका क्यों? हाँ चाचा जी यही तो समय था पिंकू से बात करने का, पर आपने उसे ही घर भेज दिया। देखो इन सब बारे में बात करने का अभी सही समय नहीं। चाचा जी ये क्या बात हुआ, जब हम लोग पिंकू के घर से आए थे तब भी आपने यही कहा था कि उसके माता पिता के बारे में पूछने का ये सही समय नहीं है। अभी इतना सब कुछ हो गया फिर भी आप यही कह रहे कि ये सही समय नहीं है, ये बात मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। अरे उसमें ना समझने वाली क्या बात है यार, अरे भाई पिंकू को नहीं बताना है तो नहीं बताना है, होगी उसकी कोई परेशानी तो नहीं बता रहा है, हम उस पे कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी कर सकते।
नहीं नहीं चाचा जी, जोर जबरदस्ती का कोई बात ही नहीं है, हम तो उससे प्यार से पूछ रहे थे। नहीं नहीं चाचा जी, गलत तो है। नहीं, आप देखिए ना, पिंकू अब तक छुपा रहा है, मतलब आप उसे एयरपोर्ट से लेके आए तब तक वो छुपा रहा है, आप उसे छुपाने दे रहे हो, ये तो ठीक नहीं है ना। अरे पता तो चलना चाहिए ना चाचा जी कि ऐसा क्या है वो जो बता नहीं रहा है। सबको बहुत टेंशन है चाचा जी। हाँ, और ये एकदम करेक्ट टाइम था जो हमने मिस कर दिया। मुझे तो लगता है अभी पूछना चाहिए था, अभी पता नहीं कि दिमाग में क्या चल रहा है, अभी पूछना चाहिए था हमें चाचा जी। अभी वो हो गया था, पूछ लेते तो अच्छा था। मत बता, अरे अय्यर भाई सुनो, बापू जी बोल रहे हैं, बात सुनो उनकी। देखिए सुन, देखो मैंने कहा ना, अभी पिंकू से कुछ भी पूछने का ये सही समय नहीं, उसकी मनस्थिति ठीक नहीं है, इसलिए बार बार पूछ के उसकी परेशानी मत बढ़ा। देखना सही समय आने पर वो हम सबको सच बता दे। ठीक है, चलो अभी सब लोग घर जाके सो जाओ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे भिड़े, अपना कल तो अभी 27 जनवरी है, तो तू फ्री होगा ना? फ्री मतलब सोसाइटी के ही काम होगे, बोलो ना क्या काम है, बोलो। नहीं तो कल सखारा में पेट्रोल भरा लेना। चलिए मित्रों, भगवान का नाम लेके शांति से सो जाते हैं, क्योंकि चंपक चाचा ने तो हमें मना कर दिया है कि पिंकू से उसके मम्मी पापा के बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा। हम तो सो जाएंगे, लेकिन शायद पिंकू आज की रात नहीं सो पाएगा। पिंकू के लिए आज की रात बड़ी भारी है। आज की रात मुझे लगता है पिंकू ये सच जरूर किसी को बता देगा, अपने मम्मी पापा से जुड़ा यह राज किसी न किसी से जरूर बता देगा। जिंदगी में कोई भी बोझ, कोई भी टेंशन मन में नहीं रखना चाहिए, परिस्थितियों और सच्चाई का डट के मुकाबला करना चाहिए। अपनों से अगर आप कोई भी टेंशन बांट लें तो मन हल्का हो जाता है, लेकिन इस वक्त मेरा मन ये कह रहा है कि पिंकू जरूर ये राज किसी न किसी को बताएगा, लेकिन किसको बताएगा, कैसे बताएगा, कब बताएगा, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कल का एपिसोड जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। देखते हैं क्या बताता है पिंकू, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.